क्योंकि मैंने काफी वीडियोस में देखा है कि आप ऑलरेडी जो पानीपुरी वाली, ये कौन है? तो पहुंचने वाले तो स्वागत है आपका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और आज दिल्ली का टेम्परेचर यार इक्वल है, बारिश तो मुझे लगता होने वाली ही नहीं है। और आज मैंने बोलूँगी मुझे एक ऐसी जगह लेके चलो जो YouTube पे आजकल बहुत ज़्यादा वायरल है और आपने उनकी वीडियो बहुत बार देखी होगी। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? मैं कह रही यार एक फेमस यूट्यूबर है जो उसकी वीडियो बहुत वायरल हो रही थी, तो आप मैं लेके चल रहे हो। क्यों, कौन है? यूट्यूबर आस पास ही है, थोड़ा सी दूर है तो लेकर चल देंगे। थोड़ी सी दूर है, थोड़ी सी दूर है, थोड़ी सी दूर है। तो बताओ फिर कौन है? नहीं ये नहीं बताऊंगी मैं कौन है, पहले हाँ ले जा सकते हो कि नहीं ले जा सकते हो। हाँ चलो ठीक है, ले जाऊंगा। बताओ कौन है? पानीपुरी वाली। पानीपुरी वाली, ये कौन है? अच्छा बीटेक पानीपुरी वाली, तो उसके यहाँ पे चलना है। चलो चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम मत वेस्ट करो लोगों को इतना। अगर चलना है तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे चलते हैं और आपको मिलेंगे वहीं पर सीधा। वहाँ जाएंगे या नहीं ये तो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन निकल चुकी है एक और नई उड़ान पे। नहीं कर रहा है वहाँ जाने का क्योंकि कहीं और प्लान कर रखा था शॉपिंग करने जाने के लिए, तो लेकिन अब देखते हैं, जाना तो वहीं पड़ रहा है क्योंकि इसको मैंने प्रॉमिस कर दिया, नहीं तो ये फिर लड़ेगी। तो अभी इन्होंने पता क्या करें, मैं स्कूटी स्टार्ट करी और इतनी तेज स्टार्ट करी ना, कह रहे तुझे आज रिफ्रेश करता हूँ, तेरी तबीयत ठीक नहीं है ना। इतनी तेज इन्होंने स्कूटी पार्किंग में घुमाई ना, मैं क्या बताऊँ, मैं नोट शूट करने वाली थी, कह रहे तेरी तबीयत रिफ्रेश करूँ। अभी हम लोकेशन चेक कर रहे हैं क्योंकि उनके 4-5 आउटलेट खुल चुके हैं शायद, मैंने सुना था वहीं पर। पर अभी हम लोकेशन डाल रहे हैं कि जो हमारे घर के पास लोकेशन पड़ेगी हम उसी के पास जाने वाले हैं। तो ये लोकेशन डाल चुके हैं शायद, मिली लोकेशन? हाँ मिल गई। तो इन्हें लोकेशन मिल चुकी है और हम मिलते हैं वहीं चल के। मैं तो बहुत एक्साइटेड हुई यार क्योंकि मैंने उसकी यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो देखी है और मैं ना काफ़ी जल्दी जाना चाहती थी क्योंकि जब वो अपना सामान लेके आती है प्रॉपर तो मैं वैसे देखना चाहती थी, बट इन्होंने मुझे लेट कर दिया। चलो कोई नहीं, मिलते हैं वहीं चल के। तो ये फर्स्ट बाइट लेते हुए अब बताना टेस्ट करके। तो गोलगप्पे का साइज काफी बड़ा है। हम आ चुके हैं बीटेक पानीपुरी वाली के यहाँ पर और अभी वो भी यहीं पर है लेकिन हम उनसे अभी तक मिले नहीं। हमने सोचा क्यों ना पहले सबसे पहले जो है इसको खाया जाए, तो खा के देखा और ये बहुत टेस्टी लग रहे हैं और बहुत यमी है। और हम 2 प्लेट पैक करा रहे हैं और हम 2 प्लेट जो है वो पैक भी करा रहे हैं, तो हमने सोचा क्यों ना मैम से मिलते हैं। तो अभी मैम को ढूंढते, मैम यहाँ दिख नहीं रही है, जैसे ही मैम दिखती है हम उनसे भी बात करेंगे। हम आपको देख रहे थे कि आप जो है आपकी वीडियो वायरल हो रही है तो हमें कभी मौका नहीं मिल रहा था आने के लिए आपके पास, तो आज मौका मिला है तो थैंक यू वेरी मच। और हम तो प्रिविलेज है कि यहाँ पर आप अवेलेबल भी है, तो आप थोड़ा बताएंगे कि मतलब आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है, कहाँ तक लेके जाना चाहते हैं? क्योंकि मैंने काफ़ी वीडियोस में देखा है कि आप ऑलरेडी जो काफ़ी सारे क्वेश्चन ऑलरेडी लोग आपसे पूछ चुके हैं कि कैसे खोला, कैसे स्टार्ट किया, कैसे बनता है, तो ज़्यादा नहीं पूछूंगा क्योंकि मैं भी नहीं चाहूँगा कि एक ही क्वेश्चन बार बार। अभी तो हमारे डिफरेंट प्लेसेस में ऑलरेडी स्टार्ट करेंगे, गुजरात में है मेरा, उत्तर प्रदेश में और उत्तर प्रदेश और दिल्ली में। तो अभी तो जो मेन फोकस है वो प्रेजेंस पे है कि हम अपनी प्रेजेंस को बढ़ाएं डिफरेंट सिटीज में अक्रॉस द कंट्री। और उसके बाद देखेंगे फिर डेफिनेटली हमारा जो काम रहेगा वो मेन्यू एड ऑन करने में रहेगा, आइटम्स एड ऑन करने का। तो गुड टू हियर दैट, काफी अच्छा लगा सुन के एंड थैंक यू वेरी मच आपका टाइम देने के लिए। अरे थैंक यू फॉर कमिंग, आई एम सो ग्लैड पीपल आफ्टर वाचिंग माय वीडियोस वो मुझे विजिट करते हैं एंड दे फील सो प्रिविलेज्ड एंड लाइक कि वो मेरे से मिलते बहुत खुश होते हैं। हां जी, और और हमें भी काफ़ी अच्छा लगा जैसा कि मैम बता रही है कि अभी जो है मेन फोकस ये है कि ब्रांडिंग पे जो है काम किया जा रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से रेडी किया जा रहा है, मतलब बिल्डिंग बिल्डने से पहले जो फाउंडेशन होती है एक तरह से वो तैयार की जा रही है, उसके बाद जो है मेन्यू में एड ऑन होंगे और
विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप बहुत ज़्यादा जितनी भी है लैडर्स अपनी लाइफ में क्लाइंब करें और बहुत अच्छा करें। तो दोस्तों क्या है ना कि यहाँ पर अभी हम आए हैं बीटेक पानीपुरी वाली के पास, और हमने यहाँ पर एक दो प्लेट गोलगप्पे पैक कराए और एक प्लेट खाई, और साथ ही जो पैकिंग है आप यकीन नहीं मानोगे, कांच की बॉटल में पूरी पैकिंग हुई है और ये अच्छे से पूरा पैक किया है, और ये सारा का सारा सामान मतलब टोटल 3 प्लेट हमने ले लिया और 100 रुपये लगे मात्र हमारे, तो सिर्फ 100 रुपीज़ में यार इतना सब कुछ मिल रहा है इतनी अच्छी पैकिंग के साथ। तो हैट्स ऑफ इस चीज़ को भी। तो जितने भी लोग आसपास रहते हो प्लीज़ यहाँ ज़रूर विजिट करो और खा के टेस्ट करके बताओ कि कैसा लगा। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं रेड टेप जनकपुरी, वहीं से पास में ही था और हमने वहाँ पर ज़्यादा शूट नहीं किया। उसका रीज़न ये था, जो मतलब रीज़न जो आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पर तो रोड क्रॉस करनी मुश्किल हो रही है, पहले अंदर चलते हैं शॉपिंग करते हैं। लेना है कुछ तुमने? वो जिसे लेना नहीं, तुमने कुछ लेना वैसे? ठीक है तो पैसे बचा रही है, देख लो खुद ही, मैंने नहीं बोला इसको पैसे बचाने के लिए, फिर भी पैसे बचा रही है तुम, ठीक है लेना तो नहीं है ना, ठीक है। और हमने ना यहाँ पे एक लड़की को बोला कि शूज़ दिखा दो, मैम ऐसे गायब हो गई कि वो मिल ही नहीं रही है अब हमें, और हम फाइनली ये डिसाइड कर रहे हैं कि हम चले ही जाएंगे क्योंकि वही प्राइस वगैरह लेने गई थी। दोस्तों सोनम और मैं जाते हैं रेड टेप पे शूज़ बाय करने के लिए, वहाँ पे लेडी स्टाफ को जो है प्राइस नहीं पता होता शू का, हम बोलते हैं कि प्राइस पता करके बता दो, वो कहती है सर अभी बताती हूँ, उसके बाद 2 मिनट हो जाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट हो जाते हैं, लेकिन वहीं पर उन्हीं के कलीग जो थे मेल स्टाफ वो उन्हें प्राइस नहीं बताते। उन लड़कों को प्राइस पता था, उन्होंने तब भी उस लड़की को प्राइस नहीं बताया और स्ट्रगल करने दिया। इन बिटवीन मैंने जाके उन लड़कों से पूछा कि इसका प्राइस क्या है, तो उन्होंने फट से मुझे बता दिया कि सर इसका प्राइस इतना है, ताकि उनकी सेल हो जाए पर उस लड़की की सेल ना हो। यहाँ पर अपने ही स्टाफ के साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रहे थे? हम अभी पहुँच चुके हैं घर और बहुत एक्साइटेड हूँ घर वालों को भी इनका टेस्ट करवाने के लिए। वैसे अलग इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा था, जो हेल्थ से रिलेटेड है ना बंदे, मतलब जो हेल्थ कॉन्शियस है, हमें खट्टा तीखा मीठा नहीं खाना, तला भुना, तो उनके लिए मस्त। और अभी क्या करेंगे हम ना कि घर वालों का भी एक बार फीडबैक लेकर देखते हैं कि कैसा लगता है उन्हें। वो वीडियो में नहीं आएंगे ये श्योर है, बट हम तो फीडबैक लेके आपके साथ जरूर शेयर। दोस्तों थैंक यू वेरी मच, जो यहाँ तक आ चुका है हमारी वीडियो देखने के लिए वो आगे भी जरूर देखना, क्योंकि हम इसमें बताने जा रहे हैं रेड टेप के बारे में कि वहाँ पे हम स्टोर पे गए थे और क्या हुआ था, जिसके बारे में आपने थोड़ा सा इस वीडियो में भी देखा होगा, लेकिन जिनको नहीं समझ आया होगा उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ यहाँ पे कि हम रेड टेप के स्टोर पे गए, वहाँ पे एक फीमेल स्टाफ थी जिससे हमने प्राइस पूछा एक शूज़ का, लेकिन उसे पता नहीं था, हो सकता है वो उसने न्यूली ज्वाइन किया हो इसलिए, तो जैसे ही वो अंदर जा रही थी बाहर जा रही थी 10-15-20 मिनट उसने लगा दिए, लेकिन कोई भी उसकी वहाँ पे जो मेल स्टाफ थे वो हेल्प नहीं कर रहे थे, उन सबको प्राइस पता था कि कितना है, लेकिन फिर भी वो फीमेल स्टाफ को जो प्राइस है वो नहीं बता रहे थे। जब बहुत देर हो गई तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पर जाके किसी और से प्राइस पूछा जाए, जैसे मैंने मेल स्टाफ से पूछा कि इसका प्राइस कितना, उन्होंने 2 मिनट में बता दिया, तो मैंने उन्हें बोला कि जब आपको प्राइस पता है तो आपने उनको क्यों नहीं बताया जब वो इतनी देर से ढूंढ रही है कि प्राइस कितना है, आप सब लोगों से पूछ रही है तब भी आपने उनकी हेल्प नहीं करी। फिर सोनम और मैं बाहर आए, उसी बारे में सोनम बात कर रही थी और बता रही थी आप सभी लोगों को, जो आप वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन अब होता क्या है कि सोनम और मैं ये सोच रहे थे कि यार कितना बुरा है ये, क्योंकि कोई इंसान अगर किसी ने न्यूली ज्वाइन किया है, कोई अपनी फैमिली को जो है मतलब ज्यादा बेटर जो है क्या कहते हैं हेल्प करना चाहता है, मतलब अपने फैमिली को बेटर चीजें प्रोवाइड करना चाहता है, तो यार वो तो घर से बाहर निकलेगा और जॉब करेगा, जॉब में अगर ऐसी सब चीजें हो रही है जहां पर लोग चाह रहे हैं कि आप ही के स्टाफ जो है, आप ही के जो कलीग्स है वो चाह रहे हैं कि आप ही की सेल ना हो, तो ऐसे करके उन जैसे लोगों के लिए सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे बात ये नहीं कह रहा हूँ मैं कि वो लड़की है इसलिए हो गया है, वो लड़की भी हो सकती है, हो सकता है और भी लड़के हो जो न्यूली ज्वाइन किया हो जिन्होंने, तो बहुत तरह के लोग हो सकते हैं वहाँ पे, बट बात यह है कि जब इस तरह के लोग मिल जाते हैं आपको तो आपके लिए सर्वाइवल कितना मुश्किल हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड आपके घर वाले जो जब आपको जॉब पे जाता देखते हैं तो यही सोचते हैं कि यार हमारा बच्चा घर से निकला है जॉब पर काम पर गया है तो वह कुछ अच्छा ही कर रहा होगा, और एट द एंड ऑफ द मंथ जब आपको सैलरी मिलती है आप घर लेके जाते हो तो उसी से आपका घर जो है ड्राइव होता है। तो यही है कि यार वो मैसेज जितने भी लोग देखेंगे वीडियो, हालांकि बहुत कम देखेंगे फिर भी जितने भी लोग देखते हैं इस वीडियो को, तो यार आप भी ना अपने घर परिवार के लिए जिस तरह कमाते हैं वैसे ही और भी लोग कमाते हैं, तो किसी के साथ ऐसा कुछ बुरा मत करा करो। तो हम जो पानीपुरी लेके आए थे तो उसमें घर वालों का ये फीडबैक था कि उन्हें खास पसंद नहीं आया। एक्चुअली वो जो पानीपुरी है वो शायद हो सकता है उन लोगों को जो टेस्ट के लिए खाते हैं उन्हें पसंद ना आए, बट जो हेल्थ के लिए खाते हैं उनके लिए वो वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो दे शुड ट्राई। और बाकी मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि भाई जब हम गए ना तो जिस तरह से बहुत पोलाइट थी, बहुत हम्बल थी और बड़े ही इजीली उन्होंने हमें एंटरटेन कर लिया, तो मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि इतनी इजीली हमें उनसे इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यार उनके साथ। और उन्होंने जाते हुए भी बोला कि यार दोबारा भी जल्दी आना, वहाँ पे हमने ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाए, उसका रीज़न ये था कि उनकी जो कार थी उसमें एक बैटरी लगती है जिससे लाइट जलती है, वो भी नहीं जल रही थी, तो वो यही कह रही थी कि अभी बैटरी गई हुई है मैं लेने के लिए,
और यार सबसे बड़ी बात क्या है जो मैंने यहाँ पर देखी कि वो ऑन रोड उतर के ऐसे काम में लगी हुई है जबकि इतनी गर्मी है, और जब आप रोड पर होते हो तो 100 तरह के लोग होते हैं आस में पड़ोस में, कोई वहां से निकल रहा होता है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। लेकिन उन सारे चैलेंजेस को देखते हुए, हालांकि ये सारे चैलेंजेस मैंने उनसे पूछे नहीं क्योंकि किसी भी तरह से मैं उन्हें डीमोटिवेट नहीं करना चाहता था, लेकिन ये सारे चैलेंजेस को मैंने देखा वहां पर और एक्सपीरियंस किया खुद से, और यही समझा कि यार जो कर रही है ना वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो बहुत बड़ा ही मतलब मैं बोलूँगा कि बहुत बड़ा काम है वो अपनी जो भी कर रही हैं, ऑफकोर्स वो अपने ड्रीम्स को परस्यू कर रही हैं, और किसी ना किसी तरह से हर इंसान सोच के रखता है कि मुझे आगे चल के क्या करना है, तो ऑफकोर्स उन्होंने भी कुछ बड़ा सोच ही रखा होगा। हालांकि बहुत से यहाँ पर यूट्यूबर हैं जो एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, तो वो भी है उनके लिए भी यही है कि यार क्रिटिसाइज़ मत करा करो, क्योंकि हमें ये लगता है कि मुझे ये लगता है कि अगर कोई भी इंसान कुछ काम कर रहा है और वो अपनी फैमिली के लिए कर रहा है तो हमें उन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाकी खुश रहें, सेफ रहें और हैप्पी हैप्पी रहें, हर जगह हैप्पी एनवायरनमेंट रखें। चलो मिलते हैं कल, बाय बाय।